हेलो दोस्तों, चलिए कम्युनिटी वेल का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। विंटर 19 के एग्जाम में नेक्स्ट पार्ट ही पूछा है बीट सी में कि ये जो आपका कम्युनिटी वेल है इसके बॉटम में प्रोवाइड किया गया आरसीसी रिंग बीम का कैलकुलेशन कीजिए, साथ ही में ये जो साइड में दिख रहा मैशनरी वर्क है इसका भी कैलकुलेशन करिए। तो कैलकुलेशन हम शुरू करेंगे मैशनरी वर्क से, ये जो साइड में दिख रहा है इससे। अब ये मैशनरी वर्क आपको साइड से कैसे दिख रहा होगा, तो ये उसका सेक्शन दिया है। बट अगर आप इसको इमेजिन करोगे, इसका कैलकुलेशन करना है, तो इसका मतलब आपको ना ऊपर से दिख रहा है ऐसा एक रिंग दिख रहा है, ये जो है एक रिंग टाइप दिख रहा है। ओके, अब ये जो रिंग है इसका आपको वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना है। अब ये रिंग तीन पार्ट में, पहली रिंग जो है 300 mm थिकनेस की है, दूसरी रिंग 500 mm थिकनेस की है, तीसरी रिंग 650 mm थिकनेस की है। तो ऐसे तीन रिंग का कैलकुलेशन करना है। और बाद में ये तो अपना लास्ट वाला एक रिंग है आरसीसी रिंग, वो भी निकालना है। निकाल लेंगे, बहुत इजी है। शुरू करते हैं हम 300 mm थिकनेस वाली रिंग से। अब ये पहले मैशनरी निकाल रहे, तो आप यहाँ पे लिखो मैशनरी, डन। अब मैशनरी किसका निकाल रहे हैं, 0.3 मीटर थिक, है ना, 0.3 मीटर थिक मैशनरी, है ना, यहां से यहां तक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके नंबर्स वन, एरिया। अब ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पल होगा, क्योंकि ये समझ में आ गया एरिया कैसे निकालना है, तो बाकी सब चीजें एकदम आसान है। देखिए, अब ये जो रिंग है इमेजिन करिए, ऊपर से देखोगे तो उसका थिकनेस इतना सा, 0.3 मीटर का थिकनेस है और एक रिंग है। ये रिंग का एरिया कैसे निकालोगे जो अभी हमें चाहिए, तो सिंपल है, बहुत बार आपने इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किए होंगे। एक्सटर्नल डायमीटर बड़ा डी और ये इंटरनल डायमीटर छोटा डी, है ना। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, देखिए, बड़ा डी स्क्वेयर माइनस छोटा डी स्क्वायर, है ना, ये बीच वाला पोर्शन चला जाएगा, बस रिंग का आपको एरिया मिल जाएगा। ये बचपन से जानते हो, बचपन मतलब मॉस से आप जानते हो, वहां पे कंपोजिट सेक्शन का एक न्यूमेरिकल था, उसमें करते थे हम। ओके, अब वैल्यू पुट करो, पाई डिवाइडेड बाय 4 इनटू बड़ा डी क्या होगा इस केस में, देखिए अंदर का तो डायमीटर 6 mm है, मतलब छोटा डी 6 mm हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। बाहर का कैसे निकालोगे, इधर का 0.3 और ये साइड का 0.3, 6 में ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको बड़ा डी यानी एक्सटर्नल डायमीटर मिलेगा। तो दोनों का साइड का 0.3 मतलब क्या, 0.3 प्लस 0.3, 0.6 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 6.6 इसका स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर 6 उसका स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करते हैं, एरिया मिल जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6.6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ओके, एरिया मिला 5.94, वेरी गुड, 5.94, डन, कोई बात नहीं। डेप्थ, अब पहले रिंग का डेप्थ कितना है, ये 2.70, गलती से भी नहीं लिखना, यहाँ पे 1.20 प्लस 2.70 आएगा, याद रखना, ये पूरा का पूरा आएगा 2.70 प्लस 1.20 यानी 3.9, ये आ गई इसकी डेप्थ, डन। अब ये एरिया इनटू डेप्थ किया तो वॉल्यूम मिल जाएगा, खत्म, 5.94 इनटू 3.9, 23.17, दैट्स इट, मीटर क्यूब। पहले जो पढ़ाव का मैशनरी है वो निकल चुका है, अब दूसरा पढ़ाव हमारे पास ये होगा, वो ब्लैक पेन से निकलता हूं मैं, यहां पे 0.5 मीटर थिक, ये मैशनरी वर्क निकलना है, कौन सा, 0.5 मीटर थिक, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी निकालेंगे। इसके नंबर्स
एक ही है। एरिया कैसे निकालोगे, पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू, हर टाइम पे ये डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बाहर का डी और छोटा डी लिख देना। अब यहाँ पे बड़ा डी क्या होगा, 6 मीटर प्लस इधर 0.5 इधर 0.5, मतलब क्या होगा ये देखिए, 6 प्लस 0.5 और इधर 0.5, यानी 6 प्लस 0.5 1 होता है, यानी 7 माइनस अंदर का डायमीटर तो 6 ही होगा ना, इनर डायमीटर उसका स्क्वायर। डन, कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन, बहुत इजी है ये, समझ में आया ना फंडा। ओके वेरी गुड, शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इन ब्रैकेट 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, दैट्स इट। 10.21 हमें मिला इसका एरिया, कितना 10.21, और डेप्थ कितनी है देखिए, 0.5 मीटर थिकनेस का जो मशीनरी है उसका डेप्थ 4.20 है, तो डेप्थ इंटू एरिया करोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। कर लेते हैं 10.21 इंटू 4.20, दैट्स इट, 42.88, दैट्स इट। अब लास्ट का मशीनरी वर्क जहां पे 0.65 मीटर थिकनेस है, तो यहां पे मैं तीसरा लिख देता हूं, ये रेड पेन से लिख देता हूं, 0.65 मीटर थिक मैसनरी, मैसनरी तो कॉमन में लिखा है, इसका नंबर 1 ही रहेगा। एरिया कैसा फाइंड आउट करोगे, पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू बाहर का डायमीटर, यानी एक्सटर्नल डायमीटर कितना होगा, अंदर का 6 प्लस इधर 0.65 उधर 0.65, तो कितना हो जाएगा देखिए, 6 प्लस 0.65 प्लस 0.65, तो ये 7.3 हो गया बाहर का डायमीटर, 7.3 इसका स्क्वायर माइनस अंदर का डायमीटर तो 6 ही है, दैट्स इट। ये एक बार समझ में आया ना एरिया कैसे निकला, बात एकदम इजी बन जाए। चलिए एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4, 7.3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो इसका एरिया मिला हमें 13.58, कितना 13.58। अब ये 13.58 आने के बाद डेप्थ कितना है वो भी तो देखना पड़ेगा, देखिए हाँ यहाँ पे ना डेप्थ हमें यहां तक लेना है, क्योंकि इसके नीचे ये कंक्रीट का रिंग बीम है ना, और वो कितने थिकनेस का है, 300 mm, यहाँ पे लिखा है मैंने, इस साइड भी लिखता हूं 300 mm। तो अभी डेप्थ क्या होगा लास्ट के मैसनरी का, 3.50 माइनस 0.3, आई बात समझ में, ये 3.5 जो था ये यहां से लेके पूरा बॉटम तक था, अब मुझे बस मैसनरी वाला चाहिए, तो ये 0.3, 300 mm मतलब क्या 0.3 मीटर, ऐसा लिखता हूं, बाद में वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए 300 कहां से आया। देखिए 3.5 माइनस 0.3 अगर करता हूं तो 3.2 इतना डेप्थ आएगा इसका, यहां पे डेप्थ में लिखो 3.2, दैट्स इट। डेप्थ इनटू एरिया करोगे तो लास्ट का जो आरसीसी वर्क है, आरसीसी वर्क नहीं मैसनरी वर्क, उसका आपको वॉल्यूम मिलेगा, देख लो कितना आता है, 13.58 इंटू 3.2, 43.46, कितना 43.46, दैट्स इट। अभी लास्ट का काम बचा है अपना, वो लास्ट का काम यहां पे ही करना चाहिए मुझे। चलिए ये तो समझ में आ गया ना 0.6 मीटर थिक का कितना आ गया, अब ना थोड़ा जगह का कंजूसी करना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। आरसीसी बीम थोड़ा नीचे लिखता हूं, आरसीसी बीम
इसका कैलकुलेशन करना है एक ही बीम में, जो एंड में दिख रहा है ना आपको ये वाला। अब इसका ना एक्सटर्नल डायमीटर वही रहेगा जो अपन ने लास्ट मशीनरी में निकाला था। तो इसका एरिया कैसे आएगा देखिए, सेम एरिया आएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी एक्सटर्नल डायमीटर इसके जितना है, इंटरनल डायमीटर उसके जितना ही है ना, सेम ही है। तो एरिया सेम आएगा 13.58, बस चेंज होगा तो वो डेप्थ है ना, ये रिंग बीम का डेप्थ 0.3 है, तो यहाँ पे डेप्थ 0.3 लिख देना। कितना इजी है, ये डबल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपके मर्जी, करना है तो कर लो, टाइम वेस्ट जाएगा है ना, पता है तो क्यों करना डबल। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये जो रिंग बीम है उसका वॉल्यूम मिलेगा 13.58 इंटू 0.3, दैट्स इट 4.07 मीटर क्यूब, दैट्स इट। मिल गई क्वांटिटीज, कौन सी बड़ी बात है इसमें, इतने से पोर्शन के लिए आपको 6 मार्क्स मिले विंटर 19 के एग्जाम में, और कुछ भी नहीं है इसमें। एरिया निकालने का समझ में आ गया ना, बात ही खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, खुद के पास सीमित मत रखना इसको, ठीक है। आपकी राय तो कमेंट सेक्शन के थ्रू मैं देखूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।